हेलो गाइस, दिस इज समीर वाडकर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर पंजाब राव देशमुख हॉस्टल स्कीम के बारे में। तो गाइस, ये स्कीम क्या है? लाइक भाई, हमने ये स्कीम के बारे में पहले कभी नहीं सुना, लाइक क्या है? गाइस डोंट वरी, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस स्कॉलरशिप। आपको सिर्फ इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना है। सो गाइस, व्हाट इज डॉक्टर पंजाब राव हॉस्टल स्कॉलरशिप? तो गाइस, ये स्कॉलरशिप बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए है जो कि हॉस्टल्स में रहते हैं। दिस इज स्कॉलरशिप फॉर हॉस्टेलर्स। सो गाइज, आई विल कवर ऑल द थिंग्स लाइक एलिजिबिलिटी, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं, लाइक क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कितना अमाउंट हमें मिलेगा पर ईयर, 8,000, 10,000, 30,000 कितना मिलेगा, या फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स, विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस स्कॉलरशिप। आई विल कवर एवरीथिंग इन दिस वीडियो। बट गाइज, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग इज दैट दिस वीडियो इज डेडिकेटेड फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन महाराष्ट्र इंजीनियरिंग कॉलेजेस। सो गाइज, आपको महाराष्ट्र का पार्ट होना इज़ इम्पॉर्टेंट। अल्सो, अगर आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या फिर आपका कोर्स कोई अलग है, तो गाइज तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, ये वीडियो आपको भी हेल्पफुल रहेगा। तो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो। सो गाइज, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, लाइक यहाँ पर मैंने डिपार्टमेंट नेम लिखा है, डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, डॉक्टर पंजाब राव देशमुख वसती गृह निर्वाह बट्टा योजना DT, जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट को आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, स्कीम नेम यहाँ पर आपने देखा, डिपार्टमेंट नेम आपने यहाँ पर देखा। तो गाइज, मैं आपको क्विकली वेबसाइट पे जाके कहाँ पे कैसे देखना है स्कॉलरशिप को, मैं अभी बताता हूँ। तो गाइज, सबसे पहले आपको महाडीबीटी के पोर्टल पे आना है। गूगल पे महाडीबीटी सर्च कीजिए और ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। गाइज, आपको क्या करना है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में जाना है। मैंने आपको डिपार्टमेंट नेम बोला था, डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो यहाँ पे आपको वो डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वसति गृह निर्वाह बट्टा योजना DT मिल जाएगी। नाउ गाइज, लेट्स डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कॉलरशिप। गाइज, अगर आपकी फैमिली की एनुअल इनकम इज अप टू द 8 लाख रुपीज और लेस देन 8 लाख रुपीज, देन गाइज यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। आपका फैमिली एनुअल इनकम अगर लेस देन 8 लाख रुपीज है, देन गाइज यू आर गुड टू गो फॉर दिस स्कॉलरशिप। अगर आपका इंस्टीट्यूट इन द फर्स्ट पॉइंट हियर यू कैन सी, अगर आपका इंस्टीट्यूट MMRDA, PMRDA, औरंगाबाद सिटी, नागपुर सिटी में है, तो गाइज आपको 10,000 रुपीज़ मिलेंगे फॉर द 10 मंथ्स। अभी MMRDA, PMRDA क्या है? तो गाइज, MMRDA मतलब मुंबई, अगर आपका कॉलेज मुंबई में है, PMRDA मतलब अगर आपका कॉलेज पुणे में है, औरंगाबाद सिटी, नागपुर सिटी, अगर ऐसे 4 सिटीज़ में अगर आपका कॉलेज है एंड आपने वहाँ पर हॉस्टल लगाया है, तो देन गाइज यू विल गेट 10,000 रुपीज फॉर 10 मंथ्स। यहाँ पर 2 मंथ्स नहीं दिया, मे बी बिकॉज गाइज 2 मंथ का कुछ वेकेशन वगैरह रहेगा, इसलिए 10,000 रुपीज फॉर 10 मंथ्स। बट हियर यू कैन अज्यूम और यू कैन कंसिडर दैट यू आर गेटिंग 10,000 रुपीज पर ईयर। सो ऐसे 4 साल में इंजीनियरिंग में आपको 10,000 रुपीज पर ईयर मिलेंगे, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। अगर सेकेंड पॉइंट यहाँ पर देखते हो, अगर आपका इंस्टीट्यूट, अगर आपका कॉलेज इन 4 सिटी को छोड़कर अगर किसी अदर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र और एरिया में है, तो गाइज यू विल गेट 8,000 रुपीज फॉर 10 मंथ्स। तो अगर आपका कॉलेज बाहर है, तो गाइज यू विल गेट 8,000 रुपीज। नाउ गाइज, बी कैटेगरी में जो चाइल्ड रजिस्टर्ड लेबर है, अल्पभूधारक, मार्जिन लैंड होल्डर है, तो गाइज हियर यू विल गेट 30,000 रुपीज फॉर 10 मंथ्स, अगर आपका इंस्टीट्यूट मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर सिटी में है तो। एंड अगर आप बाहर किसी अदर पार्ट में 4 सिटी को छोड़ के, तो आपको 20,000 रुपीज़ मिलेगा फॉर 10 मंथ्स। अभी ये चाइल्ड ऑफ रजिस्टर्ड लेबर कौन है? तो गाइज, ये मे बी जिनका एनुअल इनकम बहुत ही कम होता है। अगर गाइज आप बी कैटेगरी में आते हो, तो गाइज आपके पास चाइल्ड ऑफ रजिस्टर्ड लेबर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आई गेस सबके पास नहीं होगा। तो गाइज, मुझे तो लगता है यार मोस्ट ऑफ दी व्यूअर्स फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, ए कैटेगरी में। तो गाइज, अगर आप ए कैटेगरी में, तो आपको 10,000, 8,000 का बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। नाउ गाइज, लेट डिस्कस द एलिजिबिलिटी ऑफ दिस स्कॉलरशिप। गाइज, सबसे पहले यार, फर्स्ट वन इज एप्लीकेंट शुड हैव नेशनलिटी ऑफ इंडिया, आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। सेकेंड इज कैंडिडेट शुड बी डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र होना चाहिए, आप महाराष्ट्र में रहने वाले चाहिए। थर्ड वन इज एप्लीकेंट शुड बी बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट एंड एडमिटेड फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज लाइक डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। मतलब आप यार, आप कोई प्रोफेशनल कोर्स में आपने एडमिशन लिया होना चाहिए, लाइक इंजीनियरिंग डिप्लोमास, MBA, समथिंग लाइक दैट। तो गाइज, आपका जो कोर्स है वो टेक्निकल होना चाहिए, प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए। अगर आप, फोर्थ वन इज डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज नॉट एप्लीकेबल, आप डीम यूनिवर्सिटीज है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, तो गाइज देन आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती।
गाइस फिफ्थ वन इज कैंडिडेट शुड बी एडमिटेड थ्रू सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। आपका एडमिशन ऑनलाइन कैप काउंसलिंग प्रोसेस से होना चाहिए, कैप एडमिशन होना चाहिए, कैप अलॉटमेंट आपको यहाँ पर लेटर डॉक्यूमेंट में लगने वाला है आगे जाके। एप्लीकेंट शुड नॉट अवेल एनी अदर स्कॉलरशिप और स्टिपेंड। गाइस यार डॉक्टर पंजाब राव देशमुख में बहुत सारे और भी चार कैटेगरीज आती है, तो गाइस आपको सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप डॉक्टर पंजाब राव देशमुख की लेनी है। गाइस DTA इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए होती है, तो गाइज आपको DTE लेना है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि भैया आई हैव टेकन EBCS स्कॉलरशिप, सो कैन आई टेक डॉक्टर पंजाब राव देशमुख हॉस्टल स्कॉलरशिप। तो गाइज इस केस में आपको दोनों ले सकते हो। ये कंडीशन क्या बोल रही है, आपने डॉक्टर पंजाब राव देशमुख की एक ही स्कॉलरशिप ले सकते हो, यहाँ पर उस स्टेटमेंट का ये मीनिंग है। बिकॉज डॉक्टर पंजाब राव के तीन चार कैटेगरीज आती है, DTE इज फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और टेक्निकल जिनका कोर्स है उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। सो गाइज नेक्स्ट वन इज फॉर करंट एकेडमिक ईयर ओनली 2 चाइल्ड फ्रॉम फैमिली आर अलाउड फॉर बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। घर में अगर आपके बहुत सारे चाइल्ड है तो गाइज ओनली 2 चाइल्ड कैन अवेल दिस स्कॉलरशिप, ओनली 2 स्टूडेंट को ही स्कॉलरशिप मिल सकती है। नेक्स्ट वन इज द टोटल एनुअल इनकम ऑफ फैमिली और गार्डियन शुड नॉट बी मोर देन 8 लाख रुपीज। आपका 8 लाख से इनकम कम होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट पे। मिनिमम 50% अटेंडेंस इन प्रीवियस सेमेस्टर इज रिक्वायर्ड। आपका 50% अटेंडेंस यार शो करना चाहिए आप जो भी कॉलेज में हो। ड्यूरिंग कोर्स ड्यूरेशन कैंडिडेट शुड नॉट हैव गैप ऑफ 2 और मोर देन 2 ईयर्स। आपका गैप 2 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप एलिजिबल नहीं है। अभी ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, गाइज कौन से स्टूडेंट्स इस स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज ओनली जनरल कैटेगरी एंड SC/BC कैटेगरी स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। मतलब आप ओपन कैटेगरी हो, जनरल कैटेगरी से हो तो ये आप अप्लाई कर सकते हो, SC/BC कैटेगरी के हो तो भी। अगर आप दूसरे कास्ट से हो, SC/ST OBC देन गाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप, बिकॉज आपको ऑलरेडी हॉस्टल के कुछ बेनिफिट पर्क्स मिलते हैं वहाँ। नाउ गाइज लेट्स सी व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दिस स्कॉलरशिप। गाइज सबसे पहले यार आपके पास 10th-12th का मार्कशीट होना चाहिए, देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट आपके पास होना चाहिए, रजिस्टर्ड लेबर सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप 2nd-B कैटेगरी में हो तो आपको आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते तो गाइज ये आपको नहीं लगेगा। गाइज नेक्स्ट वन इज अंडरटेकिंग इन करंट ईयर नॉट मोर देन 2 बेनिफिशरीज फ्रॉम फैमिली। तो गाइज यार एक बेनिफिशरी सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको स्कॉलरशिप के टाइम पे आपको अपलोड करना होता है। ये सर्टिफिकेट बेसिकली क्या बताता है, आप कौन से नंबर के चाइल्ड हो और आप में से कितने लोगों ने ये स्कॉलरशिप ली है ऑलरेडी। अगर आप फर्स्ट चाइल्ड हो तो आपको वहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखना है, एंड देन गाइज यू आर गुड टू गो। देन कैप रिलेटेड डॉक्यूमेंट, आपका कैप अलॉटमेंट लेटर आपको यहाँ पे इज मस्ट आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। देन हॉस्टेल डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ प्राइवेट हॉस्टल और पेइंग गेस्ट एग्रीमेंट विद ओनर विल बी रिक्वायर्ड। जिस हॉस्टल में आप रहते हो अगर कोई PG ज्वाइन किया है तो गाइज वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट रहेगा ज्वाइनिंग इन केस ऑफ प्राइवेट हॉस्टल। अगर आप किसी यार रूम लेके रेंट पे रह रहे हो तो यार एग्रीमेंट होता है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और गाइज बैंक डिटेल्स आर इम्पोर्टेंट, आपका खुद के नाम पे आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपकी एज कम है देन गाइज ओपन जॉइंट अकाउंट्स। ऑल्सो गाइज आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। ये बहुत सारे स्टूडेंट फेस करते हैं प्रॉब्लम, इसलिए मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ कि आपका सब एक दूसरे से लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर आधार कार्ड एंड बैंक अकाउंट। तो भाई सबसे पहले आपको MahaDBT के पोर्टल पे आना है, गूगल पे MahaDBT सर्च कीजिए और ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। गाइज आपको क्या करना है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में जाना है। मैंने आपको डिपार्टमेंट नेम बोला था डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो यहाँ पे आपको वो डॉक्टर पंजाब राव देशमुख वसति गृह निर्वाह पट्टा योजना DTE मिल जाएगी, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। देन यहाँ पर आपको लॉग इन टू अप्लाई करना है, ठीक है। लॉग इन टू अप्लाई करोगे तो गाइज सबसे पहले आपको लॉग इन करना पड़ेगा। अगर आप न्यू कैंडिडेट है तो यार सबसे पहले आपको न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको यहाँ पे एप्लीकेंट लॉग इन करना होगा। मेरा अकाउंट भी इस वेबसाइट पे, तो लेट्स ओपन इट। सो गाइज यहाँ पे मैंने अपना लॉग इन कर लिया है। तो गाइज सबसे पहले आपको जब डॉक्टर पंजाब राव देशमुख की जब आप स्कीम को अप्लाई करोगे देन गाइज सबसे पहले आपको यहाँ पे आके प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया देन आपको यहाँ पर आके ओके करना है। देन आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, करंट कोर्स, पास क्वालिफिकेशन, हॉस्टल डिटेल्स, यहाँ पे सब आपको फिल करना है। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। देन गाइज यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेरा इन्फॉर्मेशन फिल करा है, इसलिए मैं आगे नीचे आपको नहीं दिखाऊंगा। ये सारी मेरी इन्फॉर्मेशन है,
आपको सबसे पहले आपको प्रोफाइल क्रिएट करना है, जैसे आपका प्रोफाइल 100% कंप्लीशन हो जाएगा लाइक दिस प्रोफाइल कंप्लीटनेस 100%, देन गाइज आपको क्या करना है, ऑल स्कीम्स में आना है। यहाँ पे मेरे डिपार्टमेंट नेम आपको बोला था डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो यहाँ पे क्लिक किया। स्कीम नेम अपना डॉक्टर पंजाब राव देशमुख है, तो यहाँ पे डीटी पे क्लिक किया। देन सर्च गाइज अपनी ये स्कीम आ गई। देखो गाइज यहाँ पे अप्लाई का बटन नहीं आ रहा बिकॉज ये स्कॉलरशिप अभी क्लोज है। एप्लीकेशन स्टार्ट देख सकते हो 2020 टिल यार नवंबर तक ये था, अभी क्लोज है इसलिए मैं अप्लाई नहीं कर सकता। गाइज इसका जो स्टार्टिंग ये कब स्टार्ट होगा, मे बी अभी स्टार्ट जल्दी हो जाएगा जैन 2022 मे बी मार्च 2022 तक रहेगा, 3-4 महीने जितने भी कितना उसका पीरियड है, आई डोंट नो कितने टाइम तक ये ओपन रहेगा, उस टाइम पे आपको यहाँ पे आके अप्लाई करना है। गाइज यहाँ पे आप पीडीएफ अगर कुछ है तो आप देख सकते हो, ठीक है। गाइज आई होप मैंने यार डॉक्टर पंजाब राव देशमुख हॉस्टल स्कीम के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर की है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो गाइज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई होप इस वीडियो का आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।